अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप सब? तो मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैं ज़रा अपना मुंह खोल लूँ क्योंकि उस दिन मैं व्लॉग अपना बाद में चेक कर रही थी तो मेरी आवाज़ बहुत घुटी घुटी सी आ रही थी, तो व्लॉग में तो नहीं ना सही। वैसे चलो बंदा क्रम्बलिंग के लिए कर ले। आप लोग सुनाएं कैसे हैं, आप सब ठीक हैं? तो मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप लोग भी यकीन ठीक होंगे। अच्छा ऊपर आते हैं, दिल करता है ये भी कर लें। टाइम ही नहीं इतना होता, इसको पकड़ के कहीं लटकाना, ज़रा टाइम ही नहीं इतना हो पाता इस टाइम खासकर, तो बंदा सोचता है क्या करे। तो जी मैं आपको छत का नज़ारा करवा चुकी हूँ, तो वेलकम बैक आप सबको भी और मुझे भी अपने व्लॉग में और अपने वर्क प्लेस पर टेक्सचर में। तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन व्लॉग अपलोड किया तो हो गया, तो अल्लाह का करोड़ करोड़ बार शुक्र है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी दुआएं की चैनल के लिए, और अल्लाह का शुक्र है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। और आप लोगों के कल मैं मैसेज भी पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मैसेज देख के कि आप लोग मुझे इतना मिस कर रहे थे मेरे इस चैनल पर। तो आप लोग कह रहे थे शुक्र है इस व्लॉग में व्लॉग देखने का, इस चैनल पर व्लॉग देखने का अपना ही मज़ा है। सही कहा आपने, इस चैनल की अपनी बात है क्योंकि ये व्लॉगिंग के नाम पे शुरू हुआ था और बस ठीक हो गया। तो मैं अब थोड़ी क्रम्बलिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा मैंने आज आप लोगों को बता दूँ, उधर भी बताया था SMR चैनल पे भी आप लोगों को बता दूँ कि आज दो व्लॉग रिकॉर्ड किए हैं, तो आप उधर भी जाके देखिए, न्यू व्लॉग होगा। वो इसलिए कि मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि उधर वाले जो लोग मुझे देखना शुरू हुए थे मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब आ जाएं, अब चलें क्रम्बलिंग करते हैं। शोर देख लें, अब ऐसे ही शोर में वीडियो आजकल रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अच्छा जी ये टेक्सचर, ये एक ही टेक्सचर है आप देख लें, मैं इसकी शेप्स मेकिंग की थी तो वही टेक्सचर, उस टब के अंदर कुछ टेक्सचर डाल लिया था, अब फिर वापस उधर ही डाल देंगे ये टेक्सचर, इसका चंक्स निकल जाएगा। ओए होए चंक्स क्या निकले, तो टूट गया। चलें थोड़ी डैम क्रम्बलिंग करते हैं आपके साथ, ये ब्रश के अंदर देख लें, लेकिन बाकी मैं चंक्स ही निकालूंगी। अच्छा जब बोलती हूँ ना तो फिर आवाज़ नहीं आती क्रम्बलिंग की, तो इसलिए खामोश रहना पड़ता है। इसकी अब हम उठा देंगे, इसे इसके दो पीस कर देते हैं ताकि ड्राई जल्दी हो जाए। यहाँ से उठा के देखते हैं, अंदर से तो खोखला है ये देखें जी, एक ये निकला था, इसको ना थोड़ा इधर ही रख देते हैं साइड पे, इसको मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। ये देखें एक और चंक्स, क्योंकि आजकल तो वैसे नहीं टेक्सचर ड्राई हो रहे, तो इकट्ठे इकट्ठे तो बिल्कुल भी नहीं होना था, टूट गया बेचारा, कितने दिनों से रखा था, तब इसे अलग कर देते हैं ना। ये ड्राई है, चलें कहीं और चलते हैं, ये चंक्स देख लें जो अभी निकले हैं इसके, बाकी क्या। अच्छा इसकी क्रम्बलिंग मैंने, ग्रीडी टेक्सचर है तो मैंने इसकी वीडियो बनानी है, कब से यही सोच रहे हैं वीडियो बनानी है,
लेकिन बन नहीं पा रही। ये है मेरा प्योर चारकोल टेक्सचर, ओल्ड है पर प्योर है। तो इधर इसकी क्रम्बलिंग करती हूँ मैं, इसके अंदर टप टूटा हुआ है, मैं कह रही इसको ना ही हिलाएं, इसका रुख थोड़ा मोड़ लेते हैं ताकि नज़र ना आए। जल्दी ले, टाइम टाइम टाइम। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अपना फेस कवर करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। उस दिन का चारकोल ऐसे ही है। तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं ताकि जो टेक्सचर रह गया वो भी इसके अंदर क्रम्बल कर ले। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसके इधर कर देते हैं, नज़र तो ऐसे ही तो ना। अब लगता ज़्यादा हो गया पानी, अच्छा। चारकोल के बाद ना ये प्योर चारकोल है ना, उसमें मैं अपने हाथ चेक कर रही थी, तो बा फिर मजबूरन मुझे ये कलर लगाना पड़ा। हाथ बहुत ख़राब हो चुके हुए थे क्योंकि मैंने कहीं जाना था। ये देखे इसकी तस्वीर लो ज़रा, एक अंदर रख के ले लो। व्लॉग बनाते हुए एक बात मेरे जहन में आई है कि मैंने आज जो व्लॉग शुरू किया था, कि मैंने बनाया था लाइबा के नाम, उनकी हैप्पी बर्थडे थी, तो और पहला जो व्लॉग बनाया था ये वाला नहीं, तो उसमें मैंने इनको विश ही नहीं किया। देखिए मेरा हाल ऐसा भी होता है। तो चलिए लाइबा आपको विश करते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं। इधर मैं क्रम्बलिंग करती हूँ, इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करते हैं, साथ साथ लाइबा को विश करते हैं। लाइबा आप खुश रहें, आबाद रहें, आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। इसकी तस्वीर ले लो, अजान नहीं होने वाली है मुझे लगता है। ये मड वाला टेक्सचर, इसमें सैंड बट मिक्स है, बेचारे की बारी नहीं आती। एक और कर लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के ऊपर। चलें ये डैम लवर्स टेक्सचर, उनके लिए जो पसंद करते हैं।
चलें जी, इसकी दो शेप्स हो गई क्रम्बल। बाकी भी मुझे लगता है व्लॉग में ही होगी, इतने छोटे से कि वीडियो नहीं बनेगी। चलें फिर कर लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे चलते हैं। आवाज़ सुने, अब इस बच्चे की अक्सर आवाज़ आती है। फिर हाथ धो रही थी तो चलें जी इसकी भी क्रम्बलिंग कर देते हैं। ये अभी भी डैम ही है, ये देखें, कल के लोग में भी आपने देखा होगा। अच्छा आज के ना टैक्सी बहुत मुश्किल से ड्राई हो रहे हैं, इसको मैं कर देती हूँ। फिर नहीं इसके ऊपर रख देते हैं, फिर कर लेंगे। और अच्छा जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की ना सॉफ्ट टेक्सचर की ज़्यादा सारी क्रम्बलिंग, तो हाँ जी मैंने उसकी स्मैशिंग क्रम्बलिंग की है, आप हुल क्रशिंग चैनल पे जाके देखें। तो ग्रीटी रेड पे मैं आ चुकी हूँ। अब उनका ना नाम पता नहीं, उनकी आईडी नेम है या पता नहीं क्या है, तो रशीद लतीफ शरीफ शायद नाम उनका है, सॉरी अगर आपके नाम मैंने मुझे नहीं समझ आ रही। ये देखें, ये होगी क्रम्बलिंग ड्राई, एक होगी डैम उनके लिए, रबाबिया के लिए, क्योंकि मैंने पहले सोचा रख लेती हूँ पूरी फिर एक वीडियो बना लूँगी, लेकिन मैंने कहा कल किसने देखा मैं उनके लिए इतनी देर वेट करूँ। चलो उनके लिए भी इसको डैम करके, मैं वीडियो में भी थोड़ा डैम किया है लेकिन व्लॉग में भी आपके लिए रबाबिया करूँगी मैं। इसकी तस्वीर लो। चलें जी, इसको थोड़ा करेंगे डैम। चलें जी, इसकी एक तस्वीर लो। अच्छा बाबी आपका बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा आप लोगों ने मुझे वेलकम कहा, थैंक यू। इफ़त आपका शुक्रिया, सुमैया ख़ान आपका शुक्रिया, और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइब जिनके नाम नहीं मुझे याद, सना ख़ान हो गया उनका शुक्रिया, उनका
उनका तो मैंने आपको पहले व्लॉग में बता दिया था ना उन्होंने क्या कहा था। और सना खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर एम एस एम आर, अच्छा एक और बात, आर एम एस एम आर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट समझ लें, आप उनके चैनल पे जाएं, आर एम एस एम आर वर्ल्ड उनका जो चैनल है उसका ना वॉच टाइम बहुत सारा रहता है, तो प्लीज़ प्लीज़ उनके चैनल पे जाएं, उनकी फुल वीडियो वॉच करें। आपको पता है वो कितनी मेहनत करती हैं, वो तुम्हारे पाँव अंदर आ रहे साइड पर जो, वो ना बीमार भी रहती हैं लेकिन मेहनत बहुत करती हैं, तो आप उनके अगर आप लोग देखोगे ना, एक तो मतलब ऐसे आपको लगता है कि हम सैंड सीमेंट देखते हैं तो कोई बात नहीं हमें नहीं वो पसंद, आप देखोगे तो आपको खुद ही दिल करेगा। तो आर एम एस एम आर अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, रात को मैंने आपकी 6-7 वीडियो देखी हैं, तो और कोई नहीं, ये यकीनन मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भी देखेंगे आपकी वीडियोस और मैं भी देखूँगी, ठीक है, तो उनका वॉच टाइम पूरा करवाएँ। मैं उनकी वीडियो लगा दिया करूँगी, शेयर कर दिया करूँगी, और आपने देखनी ज़रूर है सारे चैनल पे ना, मैं ना आपकी वीडियोस शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये आपके लिए थोड़ी सी मैं रबाब भैया, आपको मिक्सिंग पसंद है तो ये मैं थोड़ी सी, इतनी नहीं, ये मिक्सिंग करती हूँ आपके लिए। अच्छा मैं सोच रही थी, अच्छा तो मैं सोच रही थी कि आप सबके लिए एक धमाकेदार व्लॉग होना चाहिए फुल क्रम्बलिंग वाला, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। आज जो रिक्वेस्ट थी कुछ वीडियो बनानी थी, ये देखें ये भी रह गई, वे वीडियो बनानी थी ये रह गई है, और वो उसकी ग्रीन की तो इतनी रिक्वेस्ट है बस वो भी रह गई। हाँ थ्रेड वाले हैं, किसी रेड के पास ही जाती हूँ या किसी ब्लैक के पास, कहाँ जाऊँ। अच्छा जी ये देखें, ये मेरी हैंडमेड मड है, लेकिन ना सर्दियों में मसला ये ड्राई बहुत मुश्किल से होती है, थोड़ी सी ड्राई हुई है तो मैं इसको ना इस एक्सर में आई इसका हिस्सा, तो इसी में कर थोड़ी सी क्रम्बलिंग करके आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखें तब मेल में प्यारा सा कोई लेती हूँ, ये देखें इतना सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर है, ये ना लिक्विड लग गई हैं कुछ टेक्सचर्स के, थोड़ा थोड़ा ये ड्राई है ये वाला, ये भी ट्राई। अब जिन्होंने मुझे वेलकम किया माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी, तो इसकी भी क्रम्बलिंग करते हैं। ये ग्रीटी टेक्सचर है मेरा, तो ये ड्राई भी बहुत मुश्किल से होता है लेकिन ये आप लोगों को पसंद है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करती हूँ, फिर इसकी हम ना यहाँ करती हूँ, एक शेप दोबारा बना लेंगे, ये वाली टूट ना जाना मेरे हाथ से, ये
ध्यान से ये लड़की आवाजें अंदर आनी है। चलें जी ये भी हो गया। चलें जी ये हुआ ख़त्म। व्लॉग मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो रहा है। ये मेरा ग्रिटी टेक्सचर है, अभी इसकी वीडियो बनाई है। ये ग्रिटी मड और इसमें ग्रे कंक्रीट है सैंड के साथ। चलें इसको थोड़ी आप क्लीनिंग कहते हैं, क्लीनिंग व्लॉग बनाएं तो इसकी मैं थोड़ी ना क्लीनिंग कर मतलब क्लीनिंग क्या इसको टेक्स्चर के साथ मिला देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बुरश दो। चलें ओए गीला क्यों है। चलें आपका ये गिला भी ख़त्म हो गया। अच्छा क्लीनिंग व्लॉग आप लोगों को मैं आप वादा किया था दिखाऊंगी जब मेरी स्टूडेंट सफाई करती हैं वर्क प्लेस को क्लीन करती, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी दिखाऊंगी। बस टाइम सेट हो जाए, टाइम बस चैनल का था थोड़ा इसलिए मैं अभी थोड़ी ढीली हुई हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है तो पूरा आप लोगों के साथ ऑन किया जाएगा आपकी चॉइस के मुताबिक। आप लोग इतना प्यार करते हो तो फिर हमें भी करना है। उल्टे हाथ से कर रही हूँ, ऐसे मैं सीधे हाथ से काम इंसान करती हूँ।